अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग से, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमेशा ऑर्गेनाइज अच्छी लगती है और क्लीन अच्छी लगती है। तो एक दो दिन के बाद मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, पर ऑर्गेनाइज़ तो हर रोज़ करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड इसके बाद मैं इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ एक फीट वाइटनिंग क्रीम शेयर करूँगी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी जो खाली हो गई थी और मैंने थ्रो नहीं करी थी, तो काफ़ी मैसअप हो जाता है। तो उसको मैं अभी काफ़ी चीज़ें हैं वो मैं निकाल दूँगी। और मैं लोशन और सनस्क्रीन लेकर आ गई थी, तो वो भी मैंने खोल के नहीं रखी थी, ऐसे ही रख दी थी। तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में रह जाती हैं, काफ़ी सारा काम होता है इस वजह से। तो इसको बस मैंने क्लीन कर दिया था, और ये मैं बस सब कुछ क्लीन करके ऐसे ऐसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो परफ्यूम है वो जिससे पड़ी हुई थी पहले से ही, तो ये खाली हो गई थी, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी ताकि स्पेस हो जाए दूसरी चीज़ों के लिए, बन जाए स्पेस। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे लोशन रख दिए हैं, दूसरी साइड पे ऑयल रख दिए हैं, और फिर परफ्यूम और क्रीम्स वगैरह जो भी हैं वो मैंने रख दी। तो ये एक साइड जो है वो मैंने क्लीन करके उसको सेट कर दिया था। सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, सब कुछ क्लीन हो जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो घर भी अच्छा लगता है और ख़ुद भी सेटिस्फाई हम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बच्चों के लिए लोशन और सनस्क्रीन वगैरह मैं अपने लिए लेकर आई थी, तो वो मैंने खोल के नहीं रखी थी। तो अभी वो परफ्यूम और एक दो चीज़ें और थी वो खाली थी, तो वो मैंने हटा के और इनका स्पेस हो गया। तो ये चीज़ें मैंने दोनों इसी में ही मेरी आ गई, मैंने रख दी। इसके बाद यहाँ पे जो ये है इस पे मैं ना वो चीज़ें रखती हूँ अक्सर जो खाली होने वाली होती हैं, ख़त्म होने वाली होती हैं, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और मैं इसमें भी वो चीज़ें रख दूँगी जो खाली होने वाली है। ये लोशन है मेरे पास जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस इसको भी मैं यूज़ करके इसको भी मैं थ्रो कर दूँगी। तो ये परफ्यूम थी और ये आलमंड ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें हैं कुछ वो मैं रखती जाऊँगी। ये एक हेयर सीरम है तो वो भी खाली होने वाला है। तो ये वेजलिन है यहाँ पे, ये भी खाली होने वाली है। तो ये मैं सारी ना रखती जाऊँगी और ताकि आसानी हो जाए बाद में इनको थ्रो करने में। और ये थोड़ी चीज़ें मेरी निकली हुई थी तो मैंने सोचा इनको बस थ्रो कर देते हैं। तो अब मैं इसके बाद आप लोगों के साथ क्रीम शेयर कर रही हूँ जो विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और हाथों और पैरों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अक्सर ये होता है कि हम जो है ना ख्वातीन ज़्यादातर किचन में काम करते, पानी में हाथ होता है, तो हम जो हाथ और पांव जो है उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते, फिर भी फेस पे हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं, बट हाथ और पांव को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने तिब्बत क्रीम ली है 2 स्पून, ठीक है, और ये एक एलोवेरा जेल का स्पून मैंने लिया है यहाँ पर। ये जो है बाज़ारी है, आप जो फ्रेश है वो इसमें यूज़ नहीं होगी क्योंकि जल्दी से ख़राब हो जाती है वो, इसलिए हमें इसको 15 दिन के लिए हमें स्टोर करनी है, या 20 डेज़ के लिए ये इनफ होगी ये क्रीम जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ यहाँ पे। 1 स्पून मैंने आलमंड ऑयल का लिया है, और यहाँ पे आप अगर ऑयल नहीं है आप लोगों के पास बादाम का, तो आप इवियान जो कैप्सूल सिंपल मिल जाते हैं फार्मेसी से, वो आप लेकर इसमें 2 अदद वो डाल सकते हैं। और 1 स्पून यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन यूज़ किया है, और इसमें जाएगा अब लोशन 1 स्पून ही जाएगा। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेरावे का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास नेविया है, वेजलिन का है, जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अक्सर ये होता है कि जो विंटर सीज़न अभी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ होममेड रेमेडीज़। तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और ड्राइनेस से दूर रखेगी,
बिल्कुल ड्राइड नहीं होने देगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आहिस्ता आहिस्ता इसके जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। सर जो हमारे जो स्किन है वो ब्लैक पड़ जाती है ड्राइनेस की वजह से, तो ये वो क्रीम है जो आपकी ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों और पैरों की स्किन को सॉफ्ट भी करते जाएगी, वाइट भी करती जाएगी। तो ये 7 डेज़ या आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ करना चाहते हैं तो वो 7 डेज़ के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप बाज़ारी एलोवेरा यूज़ करेंगे तो वो 15 से 20 दिन तक आपकी आराम से यूज़ हो जाएगी और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी इसको स्किन हो गई है। तो यहाँ पे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ख़राब हो। ये क्रीम हाउस वाइफ, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, अंडर 18 यूज़ कर सकती है, और इवन मेल भी यूज़ कर सकते हैं इस क्रीम को, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।